नमस्कार दोस्तों, वाव सेहत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट समीर। दोस्तों, ये आज की हमारी खास पेशकश हमारे महिला सब्सक्राइबर के लिए है। आप अपने चेहरे, हाथ, पैर और बालों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती है। इनकी सही देखभाल के साथ वो चीज़ें जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है उनसे दूरी बनाने में भी देरी नहीं करती है। लेकिन इन सब के बीच अपनी बॉडी का सबसे ज़रूरी और अहम हिस्सा, जिसे लेकर आपको काफ़ी सावधानियां बरतने की और साथ ही पूरी देखभाल करने की ज़रूरत होती है, उसे ही नज़रअंदाज कर देती है। यहाँ बात हो रही है आपके प्राइवेट पार्ट वजाइना की। अगर आप इसकी सही केयर नहीं करेगी तो इससे आपको कई स्किन परेशानियां हो सकती है। जी हाँ, आपकी कुछ गलतियां इसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए हर लड़की को आपके प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कुछ बातों को ज़रूर जानना चाहिए। इससे आपको किसी तरह के इन्फेक्शन और उससे जुड़े स्किन परेशानियां ताकि ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारी खास पेशकश। पैंटी धोने के लिए किसी भी सोप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए हमेशा ऐसे डिटर्जेंट चुनें जो स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट से बने हो और जिसमें ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। आप बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हार्श इंग्रेडिएंट से बना डिटर्जेंट आपकी पैंटीज का रंग फीका करे और साथ ही वजाइना में रैशेस का वजह भी बने। आजकल कई लड़कियां वजाइनल पियर्सिंग करा रही है, लेकिन आपकी ये हरकत आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। जैसा कि ये पार्ट काफ़ी डेलिकेट होता है और जब आप वजाइनल पियर्सिंग कराती है तो दर्द के साथ आपकी स्किन को काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। इसके अलावा HIV, हेपेटाइटिस बी और सी और साथ ही दूसरे STD रोग होने की भी आशंका बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में हमारी सलाह ये रहेगी कि आप वजाइनल पियर्सिंग कराने से बचें। क्या आप भी साइकिलिंग करती है तो आपको इस दौरान भी अपने वजाइना से जुड़ी बातों का खास ख्याल रखना होगा। वर्कआउट के दौरान साइकिलिंग करें या नॉर्मल दिनों में साइकिलिंग करें, हमेशा साइकिलिंग करते समय पैड्स शॉर्ट पहनना ना भूलें। इससे आपके वजाइना को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और आप कंफर्टेबल भी फील करेंगी। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखिए, जब भी आप साइकिलिंग करें उस वक्त आपके पैड्स शॉर्ट होने चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सकें। ज़्यादा टाइट पैंटीज पहनने से आपके वजाइना में मॉइस्चराइज़र और पसीना जमा होने लगता है और इससे आपकी वजाइना में बैक्टीरियों का घर बन जाता है। इसकी वजह से आपको रैशेस के साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए हमेशा थोड़े ढीली पैंटीज पहने ताकि हवा अच्छी तरह पास हो सके। पॉलिस्टर की जगह काटन वाली फैब्रिक पैंटीज चुनने की प्रेफरेंस दें। पीरियड्स के दौरान वजाइना की देखभाल और ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इस दौरान आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी देखभाल का एक हिस्सा समय समय पर पैड बदलना भी होता है। कभी भी एक ही पैड को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, इससे वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान निकलने वाले ब्लड का लेवल वजाइनल के से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हर 4 से 8 घंटे बाद पैड को ज़रूर बदलें। बॉडी के अलावा पैंटीज की सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर आपकी पैंटी सही तरीके से साफ नहीं होगी तो ये बैक्टीरिया का घर बन जाएगी और इससे वजाइनल इन्फेक्शन होगा। इसकी सफाई के अलावा दिन में 2 बार अपनी पैंटीज ज़रूर बदलें। क्या आप भी प्राइवेट पार्ट्स के पास मौजूद हेयर को हटाने के लिए शेविंग या वैक्सिंग की मदद लेती है? अगर ऐसा है तो इसे बदल दे। हम ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसकी साफ़ सफाई ना करें, लेकिन शेविंग और वैक्सिंग की जगह प्यूबिक हेयर को सिर्फ ट्रिम करें। इस स्थिति में आपका जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो घट सकती है, ताकि आपको रैशेस वगैरह ना आए, इसलिए आपको सिर्फ वहाँ पर ट्रिमिंग ही करनी चाहिए। कई बार वजाइना से आने वाली बदबू से बचने के लिए लड़कियां इस हिस्से में डियो या परफ्यूम का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये आपको कितनी परेशानी में डाल सकता है आप नहीं जानती। इनमें मौजूद केमिकल्स आपके वजाइना में रैशेस और इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। वजाइना से थोड़ी बहुत महक आना तो आम है,
हाँ, अगर ये ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले, लेकिन किसी भी स्थिति में प्राइवेट स्पॉट्स में डिओडेंट्स या परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। अगर आप भी वजाइना से आने वाली किसी तरह की बदबू या गंदगी को साफ करने के लिए वजाइनल डाउचिंग, पानी और विनेगर के मिक्सचर या मार्केट में मिलने वाले कई एंटीसेप्टिक डाउचेस का इस्तेमाल कर अपने वजाइना को धो रही है या धोने की मदद में लेती है, तो इसे बंद कर दे। आपको ये लगता है कि इससे आप अपने वजाइना को साफ रखकर किसी परेशानी से बचती है, लेकिन असल में हेल्थ एक्सपर्ट के हिसाब से इसके ज़्यादा इस्तेमाल से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने के अलावा आगे चलकर प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लेक्सिटीज आने की संभावना रहती है। वजाइना में इतनी मात्रा में एसिडिटी मौजूद रहती है कि ये वजाइना में किसी तरह के बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है, इसलिए इन्हें गुनगुने पानी से या फिर साबुन से धोना ही काफ़ी होता है। तो अगली बार इन्हें बार बार तो हमें आशा है कि ये हमारी आज की खास पेशकश महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के देखभाल के ऊपर आपको पसंद आई होगी। अगर से ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियोस भविष्य में ला सकें। धन्यवाद।